नमस्कार, आपका स्वागत है। आजकल जो ये कमेंट्स के रिप्लाई करने की सीरीज है, उसी में एक नया वीडियो है। ये भाई साहब लिखते हैं, हेलो सर, एक 20 वर्ष के लड़के को तंबाकू खाने की आदत है, क्या किसी होम्योपैथिक दवाई से इस आदत को छुड़वाया जा सकता है? अगर ऐसी कोई दवाई है तो कृपया बताइए, धन्यवाद। जैसा इनका सवाल है, ऐसे ही और बहुत सारे आपके क्लिनिक पर लोगों के प्रश्न उठते हैं। जैसे मैक्सिमम जो प्रश्न आते हैं वो महिलाएं आती हैं कि हमारे पति या बेटा बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या नशा करते हैं, तो क्या आपके पास ऐसी कोई दवाई है जो उसको चोरी चोरी दी जा सके, जिससे उसका शराब पीने की आदत छूट जाए? अब इसमें दो बातें हैं, हमें समझना होगा कि आखिर होम्योपैथिक दवाई क्या करती है। होम्योपैथिक दवाई आपके जो वाइटल फोर्स में डिसअरेंजमेंट हो चुका है उसको रीस्टोर करती है, यानी उसको ठीक करती है, जिसके कारण आपके शरीर में जो भी शारीरिक मानसिक व्याधियां हैं वो ठीक होने लगती है। तो उसका प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए हम रोगी के रूब्रिक लेते हैं, यानी उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति लेते हैं। तो अब जो रोगी, यानी ये तो वैसे तो रोगी अपने आप को रोगी वो कह ही नहीं रहा, जो शराब छुड़ाने आए, जिसके घर वाले शराब छुड़ाने आए हैं या नशा छुड़ाने की आदत छुड़ाने आए हैं, तो वो रोगी या वो इंसान तो इसको रोग नहीं मान रहा, इससे परेशान नहीं है। तो चोरी छुपे देकर आप उसको किसी भी होम्योपैथिक दवाई से उसकी आदत को नहीं छुड़ा सकते, और ना ही किसी और दवाई से छुड़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे एलोपैथिक आयुर्वेदिक और बहुत सारे क्लेम करते हैं, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि रोगी को बिना बताए उसकी शराब छुड़वाएं, तो ये दवाइयों से संभव नहीं होता है। क्योंकि जब दवाई देंगे तो उससे रोगी की ये इच्छा शक्ति खत्म होने वाली नहीं है, जो उसको शराब पीने की लत देती है, अंदर से तीव्र इच्छा देती है कि वो शराब पिए। अगर वो खुद शराब को या जो भी नशे की लत है उसको स्वयं छोड़ना चाहता है, तो वो कुछ तो अपनी इच्छा शक्ति लगाएगा उसको छोड़ने के लिए, कुछ तो अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखेगा। और जब उसको छोड़ने से रोगी को, यानी ऐसे इंसान को जो तकलीफें आ रही हैं मानसिक शारीरिक, तो उनके आधार पर हम होम्योपैथी की दवाई का सिलेक्शन करेंगे, तो वो परेशानियां उसकी हट जाएंगी, यानी उसकी विल पावर इस बुरी आदत के प्रति मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे उसकी ये आदतें छूट जाएंगी। लेकिन अगर वो खुद नहीं छोड़ना चाहता, तो किसी भी हालत में ऐसा कोई भी सिमिलिमम मिलेगा नहीं आपको जो उसकी इस आदत को छुड़वा दे, तो ये होम्योपैथी से संभव नहीं है और भी किसी पैथी से संभव नहीं है। इसलिए आप ऐसे लोगों को स्पष्ट बता दें, उनको धोखाधड़ी में ना रखें। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग से संतुष्ट नहीं हैं, आपके कोई और प्रश्न हैं, तो आप फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस दुविधा का भी समाधान करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।